for two quantities x and y, x upon y is equal to k, then they are in direct proportion. By definition, also, you know, reason, let us write reason also. This is this first assertion. Now write the reason. Two quantities x and y are said to be in direct proportion if they increase or decrease together. Two quantities. X and Y are said to be in direct proportion if they increase or decrease together. ये आपने पढ़े हुए हैं, डेफिनेशन में मैंने लिखवाया था आपको, बोथ ऑफ देम दे इंक्रीज टुगेदर और डिक्रीज, ठीक है, सच दैट, इसकी कंडीशन भी होनी चाहिए, राइट? ये नहीं कि सिर्फ इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं तो हम उसको, वी कैन नॉट डिफाइन इट कि हाँ वो डायरेक्ट ही होगा पक्का. इसके साथ एक और कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी कि उनकी रेशियो इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही. प्रोपोर्शन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? सो सच दैट रेशियो ऑफ, मैम यस बेटा, थोड़ा लाउडली बोलो, आई कांट हियर यू, व्हाट्स द प्रॉब्लम बेटा? ओके ओके, ऑल राइट, आई विल वेट फॉर देम. एंड सेक्शन बी, आई हैव अंडरस्टूड, आई एम वेटिंग. बी सेक्शन से सुमित, प्लीज कम फॉरवर्ड. मैम यस. सुमित आप आगे बैठे हो. कैन यू टेल मी कंडीशन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शन? प्रोपोर्शन होती है, कौन प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. सी टू वैल्यूज, सपोज एक्स एंड वाई है, ठीक है, अगर मैं कहती हूँ कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, दे आर इनवर्स प्रोपोर्शन, इसका मतलब क्या होता है? ई सेक्शन, यू हैव जस्ट ज्वाइन, बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्लीज स्टार्ट नोटिंग. फटाफट से ज्वाइन करते हैं. मैम रीजन इज ट्रू. मैम मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वो इनवर्स में कब होंगे? इनवर्स हमने पढ़ा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, चलो डायरेक्ट का बता दो, हम कब बोलेंगे कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, कब आप बताओगे, क्या कंडीशन होनी चाहिए? ओके, बी से हरनी, कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो बेटा, डू इट केयरफुली, ओनली क्वेश्चंस करना, अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए. हनी प्लीज आगे आओ. ई सेक्शन, इस सेक्शन प्लीज फाइल, स्टार्ट नोटिंग दीज असर्शन रीजंस, करो, बाकी बच्चों ने लिख लिया हुआ है. हनीक बेटा, जस्ट टेल मी व्हेन दी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, कब हमें पता चलता है कि वो डायरेक्ट में है? हाँ जी बेटा, सब एक डिक्रीज और एक इंक्रीज, एक डिक्रीज और एक इंक्रीज हो, है ना, आप ये बोल रहे हो, यस तो क्या होगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट. बिल्कुल गलत है, प्लीज
प्लीज रिवाइज करो जाके एक्स्ट्रा कोई ना, कर दे। पॉइंट्स एंड सुमित यू आल्सो आ जाओ आ जाओ, नोट पर क्या लिखा हुआ है कि डायरेक्ट में क्या होता है और इनडायरेक्ट में क्या होता है, कल हमने बहुत सारे एग्जांपल भी किए थे। बी सेक्शन मनमीत, कैन यू टेल मी, सब अपनी अपनी नोटबुक पे देखो ठीक है, जस्ट आपको इसलिए पॉइंट्स लिखवाए हुए सो दैट यू कैन रीड योरसेल्फ। हाँ जी बेटा, कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाई व्हेन दे आर डायरेक्ट एंड व्हेन दे आर इन इनवर्ट। क्या लिखा है नोटबुक? क्या दिक्कत हो गई? चलो कब होती है डायरेक्ट में? नहीं लिखा आपने भी है ना, नहीं लिखा नोटबुक में? नो। ओके कौन आ रहा है बताने के लिए फ्रॉम योर सेक्शन? बी सेक्शन हु इज कमिंग टू टेल मी कि डायरेक्ट क्या होता है इनडायरेक्ट? ओके आया, चलो एवरीबॉडी रीड इट, रीड करो जरा पॉइंट्स, पॉइंट्स हमने लिखे हैं उनको रीड करो एंड रेज योर हैंड योरसेल्फ। बी सेक्शन जो बच्चे इधर एडजस्ट हो रहे हैं प्लीज सेटल डाउन फास्ट। बी सेक्शन से कौन आ रहे बताने के लिए डायरेक्ट में कब होती है वैल्यूज? सपोज आपको एक टेबल दिया हुआ एक्स एंड वाई का, आपकी जो सारे टेबल होते हैं वो एक्स और वाई के फॉर्म में होते हैं दैट यू नो। ओके तो ये जो वैल्यूज होती है एक्स वन वाई वन होता है, ये एक्स टू वाई टू होता है ठीक है। जब मैं एक्स और वाई की बात कर रही हूँ तो इसका मतलब हम इन वैल्यूज की बात कर रहे हैं कि एक्स की सारी वैल्यूज और वाई की सारी वैल्यूज। ओके ओके बेटा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये डायरेक्ट में है? डेफिनेशन पढ़ो जरा जो मैंने लिखवाई थी फर्स्ट डे, रीड इट एवरीबॉडी, टर्न करो पेज पीछे देखो क्या लिखवाया था मैंने कि एक्स और वाई की डायरेक्टली कब होते हैं और इनडायरेक्टली कब होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन होते हैं ठीक है। क्या कंडीशन होती है डायरेक्टली लिखो या डायरेक्ट प्रोपोर्शन लिखो एक ही बात है। हाँ जी आपकी क्लास में सर है या मैम है, कौन है बेटा? बी सेक्शन टीचर है आपके क्लास में? मैम यस। प्लीज आज सर को बोलो कि इनके इनकी नोटबुक जरा चेक करेंगे, सर प्लीज इनकी नोटबुक चेक करना, इन्होंने लिखे हुए पॉइंट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के, या फिर मैं दोबारा लिखवाऊं? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हु हैव रिटन इट? चलो बताना नहीं है कोई बात नहीं, हाथ खड़े करो किस किस ने लिखे हुए हैं। वेरी गुड वेरी गुड, सबने लिखे हुए हैं, प्लीज एक बार रीड करके बताओ ठीक है। ओरली मैं पूछूंगी, रीड एंड टेल। बी सेक्शन ये सेकंड बेंच पे द बॉय हु सिटिंग, जिसने अभी हाथ खड़ा किया था सुमित के पीछे। हाँ जी बेटा अपनी नोटबुक साथ लेके आओ, मेरे को रीड करके बताओ आपने क्या लिखा है डायरेक्ट में, क्या लिखा है मैंने? Two values x and y are in direct proportion if they increase or decrease together. Yes. और क्या लिखा है? Proportion is direct between two values when one is multiply of other. One is multiply of other. Okay. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये था कि आपने अगर x upon y is equal to k है, तो x is equal to y k होगा। ये मतलब हुआ इसका। और क्या लिखवाया है इसका? एक और पॉइंट भी लिखवाया था मैंने, रीड इट, क्योंकि रेशियो कैसी होनी चाहिए? ओके ई सेक्शन, बी सेक्शन का वीडियो स्टिल हो गया है। फ्रॉम ई सेक्शन हु इज कमिंग टू टेल मी कि डायरेक्ट में कब होते हैं एक्स एंड वाई की वैल्यूज, क्या कंडीशन होनी चाहिए? कल हमने एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे एंड उसमें हमने क्या कंडीशन लगाई थी अगर आपको ये बताया गया कि वो डायरेक्ट में है। हाँ जी बेटी आ जाओ आगे।
वेरी गुड. कौन आ रहा है ई सेक्शन से? आई एम रिपीटिंग वंस मोर, ध्यान से सुन लो बेटा. अब जैसे ही मैं बताऊंगी आपको याद आ जाएगा कि हाँ वो क्या कंडीशन बताई थी मैंने, बिकॉज आपने कल एग्जांपल में यूज भी की थी. देखो ये आपके पास एक टेबल है, इसको अंडरस्टैंड कर लो पहले अच्छे से. आपके पास जितने भी कल हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमारे पास जो टेबल में वैल्यूज होती हैं, ऐसे वैल्यूज दी होती हैं, एक एक्स की वैल्यू होती है, एक वाई की वैल्यू होती है. एक्स वाई का मतलब क्या है कि हम टू चीजों की बात कर रहे हैं. टू चीजों की कैसे बात कर रहे हैं, कोई एग्जाम्पल देगा? कल हमने कितने सारे एग्जाम्पल किए थे कि जैसे वर्कर्स हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेबर काम कर रही है, वर्कर्स काम कर रहे हैं, वो कितने टाइम में अपना काम फिनिश करेंगे. अगर वर्कर्स कम है तो उनको टाइम ज्यादा लगेगा, पता है आपको. सिमिलरली अगर वर्कर्स हमने इंक्रीज कर दिए, ज्यादा वर्कर्स लगा दिए, तो उनको टाइम कम लगेगा. यह था एक एग्जाम्पल, ऐसा हमने डिस्कस किया था. तो इस केस में वर्कर्स और टाइम के केस में वो डायरेक्ट होना चाहिए या इनवर्स होना चाहिए, प्लीज टेल मी. यहाँ पे ना ब्रेक हो रहा है. हाँ जी बेटे, प्लीज टेल मी दिस इज डायरेक्ट और इनवर्स वर्कर्स और टाइम की जब हम बात करें तो. मैम इनवर्स. इनवर्स बिल्कुल ठीक है. आपने ये मैं हाँ जी बेटा, आपने बोला इनवर्स. हु अग्री, जो जो अग्री करते हैं कि यस ये इनवर्स वाली बात है, वर्कर्स और टाइम की इनवर्स वाली बात करते हैं. हु अग्री, हु से कि यस दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन. यस, सबको समझ आ गई. वेरी गुड. आपने अंडरस्टैंडिंग कर लिया कि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है. जब हम क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, जो आपके पास वैल्यूज आएंगी एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, इनवर्स तो आपने बता दिया कि दे आर इनवर्स टू ईच अदर, ठीक है. ये चीज आपकी बिल्कुल ठीक है. उसके बाद हमने सॉल्व कैसे करना है इसको. सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन शुड बी कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इक्वल होना चाहिए. दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन. इसको साथ में याद रखना. जब हम इनवर्स की बात करते हैं, उनका प्रोडक्ट इक्वल होना चाहिए. प्लीज रिमेम्बर. इज इट फाइन बेटे? आपकी ना बीच बीच में वीडियो रुक रही है, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. ठीक है, आप बाकी सब कुछ छोड़ो, सिर्फ इस चीज को देखो आप कि यहाँ पे मैंने लिखा है. अभी अभी आपने बताया कि जब हम वर्कर्स और टाइम की बात करते हैं तो वो हमारे पास, अगर हमारे एरोज ऊपर और नीचे जा रहे हैं, उल्टे हो रहे हैं दोनों के, एक नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर हो रहा है, दूसरा ऊपर जा रहा है तो नीचे, पहला वाला नीचे जा रहा है, राइट. अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो हमारा इनवर्स होगा. इनवर्स है तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, मिसिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे एक्स वन वाई वन इक्वल टू एक्स टू वाई टू. दिस इज फॉर्मूला. इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि जब भी इनवर्स की कंडीशन आएगी हमें ऐसे ही लिखना पड़ेगा. प्लीज रिमेम्बर, बहुत ही शॉर्टकट में वह चीज बता रही हूँ आपको कि आपका प्रोडक्ट से ही उसका आंसर निकलेगा. ओके बेटा, ये तो हुआ इनवर्स का एग्जाम्पल. जिन्होंने नोट डाउन करना है इसको नोट डाउन कर लो एंड अंडरस्टैंड इट नाइसली. और किसी को डाउट हो रहा है अभी खड़े होकर पूछ लो कि यह क्या बताया है यहाँ पे. राइट डाउन, जब तक लिखोगे नहीं अपने हाथ से समझ के लिखोगे तो आपको समझ आएगी. वन थिंग यू शुड नो. ठीक है, उसके बाद जब हमने एक और बात की थी कि जितनी हम पेन खरीदेंगे, नंबर ऑफ पेन खरीदेंगे और उसकी कॉस्ट कैसी होगी. ज्यादा पेन खरीदेंगे तो कॉस्ट भी ज्यादा होगी, कम पेन खरीदेंगे तो कॉस्ट भी कम होगी. क्या
क्या ये इकट्ठे ऊपर और नीचे जा रहे हैं? ये दोनों इकट्ठे ऊपर जा रहे हैं, ये दोनों इकट्ठे नीचे आ रहे हैं। प्लीज रिमेंबर, एट ए टाइम, एक टाइम में हम एक्स और वाई की इकट्ठी बात करते हैं। अगर मैं सिर्फ इंक्रीज की बात करूं तो मैं पेंस और कॉस दोनों की बात कर रही हूँ एट ए टाइम। अगर मैं डिक्रीज की बात कर रही हूं तब भी मैं नंबर ऑफ पेंस और कॉस की इकट्ठी बात कर रही हूँ। इज इट क्लियर? जब भी आपने इस चैप्टर में ये जो क्वेश्चन देखने हैं, एक्स और वाई को इकट्ठा देखना है, प्लीज रिमेम्बर, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में हमारी दो बातें की किस किस की हो रही है, किस किस के बारे में हम बात कर रहे हैं। उन दोनों को इकट्ठा देखना है कि वो उनके एरो दोनों के ऊपर जा रहे हैं या फिर दोनों के नीचे जा रहे हैं, या फिर एक ऊपर जा रहा है दूसरा नीचे जा रहा है, एक नीचे आ रहा है तो दूसरा ऊपर जा रहा है। प्लीज इसको शॉर्ट फॉर्म में अपने नोट की फॉर्म में लिख लो कि अगर ऐसी कंडीशन है तो क्या होता है, आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। अब यहां तक मेरे को बता दो कि सबको समझ आ गई है? रेशो हैंड, रेशो हैंड एंड टेल मी, आपको ये चीज समझ आ गई है? व्हाट अबाउट जी सेक्शन, कोई डाउट है जी को? ई सेक्शन, ई सेक्शन, हैव यू अंडरस्टूड दिस बेटा? ये चीज अगर आपको समझ आ गई है ना एरोज वाली, देन क्वेश्चन विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू। अब इसका फॉर्मूला, इनवर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि हम करते हैं x2 by y2, it should be equal to constant. Here also it should be equal to constant. वो constant तो definitely आएगा ना, क्योंकि हम number की बात कर रहे हैं। number की बात कर रहे हैं कि अगर हम उन दोनों को multiply करें या इन दोनों को करें तो answer same ही आना चाहिए। तो आएगा whatever। ठीक है, तो डायरेक्ट जब आपको समझ आती है तो ये फॉर्मूला लगाओ, इनडायरेक्ट जब समझ आती है कि ये कंडीशन उसकी इनवर्स की है या फिर इनडायरेक्ट की है तो हमारे पास ये कंडीशन आएगी। सिर्फ ये चीज याद रखो कि इस केस में हम दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, इस केस में हम दोनों को रेशियो में लिखते हैं, अप एंड डाउन करके लिखते हैं। अभी क्वेश्चन शुरू करें, ये लिख लिया सबने बेटा? पहले जो आपने लिखे थे डेफिनेशंस लिखी थी वो सेंटेंस फॉर्म में थी, है ना? फॉर्मूला मैंने उसमें भी लिखवाया था। अब मैं उससे भी ज्यादा छोटी फॉर्म में आपको लिखवा रही हूँ ताकि आपको यूज करना आए कुछ में, राइट? अभी हम एसर्शन रीजन लिख रहे थे, मॉड्यूल आपके पास नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर। फर्स्ट एसर्शन था आपका, फॉर इफ फॉर टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, then they are indirect proportion. इनडायरेक्ट प्रपोर्शन, प्लीज इसको याद रखना, डायरेक्ट को अलग से रखो। ये कई बच्चे ना इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट वर्ड ही मान लेते हैं, इन इज अवे, यहाँ पे इन दूर है, हम सिर्फ डायरेक्ट प्रपोर्शन की बात कर रहे हैं। हु से, जो अभी जिन बच्चों ने अभी लेट ज्वाइन किया है, दे अग्री की असर्शन ट्रू होगी? सबको पता चल रहा है कि असर्शन ट्रू है बेटा? मैम यस हाथ खड़ी करो जरा, बाकी बच्चे जिन्होंने अभी लेट भी ज्वाइन किया है उनको समझ आ रही है कि फर्स्ट वाला असर्शन ट्रू है? ऑलराइट, रीजन, टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेड टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट को अंडरलाइन करो, हम इनडायरेक्ट की नहीं बात कर रहे, इन तो यहाँ पे दूर है, यहाँ पे हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं। सर्कल लगाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मैंने डायरेक्ट वर्ड को फोकस करना है, इन जो है वो दूर है, इन जो है वो सेंटेंस का पार्ट है, डायरेक्ट से जुड़ा नहीं हुआ वो। ओके बेटा, सो टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर। एक कंडीशन तो होनी ही चाहिए, साथ में उसका फॉर्मूला भी होना चाहिए। वो क्या फॉर्मूला है? such that their corresponding ratio of their corresponding value, corresponding value
रिमेन कांस्टेंट। रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट के साथ आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सेम, सेम वैल्यू दोनों की आनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है फिक्स, कि जो चेंज ना हो, तो हम उसको सेम भी बोल सकते हैं, कि दोनों की रेशियो सेम आनी बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको फॉर्मूला में लिखवाया था कि एक्स वन बाय वाई वन शुड बी इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट, ये जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, इसी सेंटेंस, इसी को सेंटेंस फॉर्म में लिखा गया है और आपको बताया गया है। वेरी गुड, बोल बोल के लिखो, जरा बोर्ड से ध्यान से देख के लिखो। टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई आर सेट टू बी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट को मैंने सर्कल किया है, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि कहीं वो इनडायरेक्ट तो नहीं है। इफ दे इंक्रीज और डिक्रीज टूगेदर, जैसे अभी अभी हमने एग्जाम्पल किया था, नंबर ऑफ पेन्स और कॉस्ट की बात की थी हमने, सच दैट रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ओके, तो दिस इज ट्रू, हु से दिस इज ट्रू, रेज योर हैंड जिनको कंफर्म है कि ये ट्रू होना चाहिए। यस, जिन्होंने ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ी है उनको समझ आ चुकी है। यस वेरी गुड, दिस इज ट्रू, भूलना नहीं है अभी तो आपकी ऑप्शन है ए। ठीक है, दिस इज ए ऑप्शन, यू कैन राइट डाउन फर्स्ट इज ए। सेकेंड, सेकेंड क्वेश्चन में दे आर सेइंग assertion में, if x is directly proposition to y, कल मैंने आपको बताया था कि इसका सिंबल होता है डायरेक्टली का, तो आप भी इसको ऐसे बना दो जैसे हम एट बनाते हैं ना, हॉरिजॉन्टल एट बना दो और आगे से उसका मुंह खोल दो, थोड़ा सा ज्वाइन नहीं करना, दैट इज अ सिंबल ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देन एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, यहां भी मैं डायरेक्ट को सर्कल लगा रही हूँ, जिसको आपने फोकस करना है कि हम डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने उसके बारे में सोचना। उसे ट्रू, रेज योर हैंड। ओके गुड, मैंने कल आपको बताया था ये इसका सिंबल है। ओके, जैसे ये सिंबल आप देखोगे एक्स एंड वाई का, तो आप समझ जाना कि ये डायरेक्टली है। वेरी गुड, हैंड्स डाउन, दिस इज ट्रू। सेकेंड वन, रीजन इफ रीजन इज, इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, देन वन बाय एक्स एंड वन बाय वाई आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जब आप मॉड्यूल लोगे, इसे थोड़ी सी करेक्शन कर लेना, ये जो सेंटेंस में आपको लिखवा रहे हैं यहां से, वन बाय एक्स एंड वन बाय वाई आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इसको करेक्शन कर लेना। ये जो मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ये यू कैन चेंज इट इन मॉड्यूल, सेंटेंस को चेंज कर लेना। ओके, ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो, रीजन को। दे आर सेइंग कि अगर एक्स एंड वाई आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, तो वन बाय एक्स एंड वन बाय वाई डायरेक्ट नहीं होंगे। कैसे पता चलेगा? एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, पता है आपको जब एक्स एंड वाई डायरेक्ट होते हैं। हाँ जी, यू आर रेजिंग योर हैंड, बी सेक्शन विजय, व्हाट डू यू वांट टू से? मैम फॉल्स फॉल्स, दे आर सेइंग नॉट इन डायरेक्ट, इसका मतलब आपका मतलब है कि वो डायरेक्ट होने चाहिए। चलो चेक करते हैं, वी आर चेकिंग हियर। आपने बोला दिस इज गिवन एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, तो यहाँ पे लिखो एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू के, बिकॉज एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट
एग्जाम्पल पे लिखो इसका प्रपोर्शन, इसलिए हमने लिखा एक्स अपॉन वाई इक्वल टू के. लेट अस चेक फॉर वन बाय एक्स एंड वन बाय वाई, इसके लिए चेक करो. वन बाय एक्स एंड वन बाय वाई क्या होगा? चेक करो इसके इक्वल होगा वन बाय एक्स इंटू वाई वन, दिस विल बी इक्वल टू वाई बाय एक्स. उल्टा हो जाएगा ना, y by x क्या होना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली? 1 by k. 1 by k जो है वो k के इक्वल नहीं है. इज इट फाइन? अगर वो k आता तो डायरेक्ट होता. इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्योंकि वो उल्टा आ रहा है k का, इसलिए वो डायरेक्ट नहीं है. मुझे मॉडल डिफरेंशिएशन हो जाएगी. एग्जाम्पल भी लिखो साथ में फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इसको हमने फॉल्स क्यों ट्रू क्यों लिखा है. जब आपको मॉड्यूल मिलेगा प्लीज ये जो मैंने अंडरलाइन किया है इसको ठीक करना. आर नॉट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी कि कैसे ट्रू हुआ ये. अभी अभी हमने एग्जाम्पल में किया कि हमारी कंडीशन जो है डायरेक्ट के लिए कांस्टेंट आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वन बाय के जो है वो आना बहुत जरूरी है दोनों के लिए. ओके तो आपने देखा जब एक्स बाय वाई था तो के था, जब हमने इसको वन बाय एक्स एंड वन बाय वाई किया तो हमारा के नहीं आ रहा, इसका मतलब वो दोनों डायरेक्ट में नहीं है. थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सिंपल है, आप कर सकते हो. मैं इसकी ऑप्शन बता देती हूँ आपको, जब मॉड्यूल मिलेगा यू कैन डू इट. थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन बी लिख लो, दिस इज वेरी वेरी सिंपल. आई एम गिविंग यू हिंट, जब मॉड्यूल मिलेगा यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट. ओके कोई डाउट होगा यू कैन आस्क मी नेक्स्ट टाइम. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा. एमसीक्यू क्वेश्चन है ये. कहने को तो एमसीक्यू है बट पूरा का पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा. ओके टेबल बना के जैसे हमने कल किए थे. क्वेश्चन इज इन अ लाइब्रेरी, क्वेश्चन इन अ लाइब्रेरी of a certain book write the question also beta. In a library 136 copies of a certain book require shelf plan. कि अगर आपके पास 136 बुक्स हैं, कॉपीज ऑफ सर्टेन बुक का क्या मतलब है? कितनी बुक्स हैं आपके पास? 136 सेम ही बुक की 136 वो है कॉपीज हैं, सेम बुक्स हैं 136 राइट. Require a shelf length of 33.4 meter. Decimal है center में, ध्यान देना बेटा. 3.4 meter. Question is, how many copies? How many copies of the same book? Book would occupy shelf length of
5.1 मीटर। नोट डाउन कर लो, अंडरस्टैंड करो। जो बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और दो बार पढ़ रहे हैं, सिंसियरली कर रहे हैं, दे विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के ये चेक करना है कि वो डायरेक्ट में है दोनों वेक्टर्स या फिर नकारात्मक। यस, अभी मेरे को आवाज आ रही है कहीं की, सबको पता चल गया डायरेक्ट है। जीरो ने नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ लो। डाउट नहीं रहना चाहिए किसी को, डाउट नहीं रहना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो फिर एग्जाम में तो न्यू क्वेश्चन ही आता है ना हमेशा, फिर आपको वहां पे समझने में मुश्किल होगी। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉजिकली अंडरस्टैंड करो कि वो एरो लगा के, रफ कॉलम में एरो लगाओ दोनों के बारे में, और फिर अंडरस्टैंड करो कि क्या दोनों इकट्ठे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। रफ कॉलम में आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको देखना है, हमारे पास एक बुक्स की बात हो रही है, कॉपीज ऑफ बुक्स की बात हो रही है। कॉपीज ऑफ बुक्स ये है कि थोड़ी सी आपको कंफ्यूज कर रही है ये बात। तो बुक्स का क्या मतलब है, कौन बताएगा? एफ ई सेक्शन, प्रदीप आ गया बेटा, इसका मतलब क्या है कॉपीज ऑफ बुक्स? कम पास बच्चे जल्दी, कॉपीज ऑफ बुक्स कॉपी तो हम जिसमें हम लिखते हैं उसको भी कॉपी बोल देते हैं, है ना? रजिस्टर बोलते हो, नोटबुक बोलते हो, कॉपी बोलते हो। तो कॉपी वर्ड थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है आपको, समझ आइए ये क्या बोल रहे हैं कि कितनी कॉपीज ऑफ सर्टेन बुक्स, इसका मतलब क्या है? बोलो बच्चे, कुछ तो पता होगा तुझे। आपके बेटा ये जो मैथ्स की बुक है वो ब्लिस बुक है ना, जो सारे यूज कर रहे हो आप? यस यस यस। तो अगर मैं सारे सबकी बुक्स लेके, सबकी मैंने एक ब्लिस बुक ले ली मैथ्स की और आपके इधर इकट्ठी करके रख दी एक जगह पे किसी रूम में, तो वो सारी क्या हो जाएंगी? They will be copies of bliss book. समझ आ गई? Copies का मतलब जैसे आप फोटोकॉपी नहीं बोलते हो किसी चीज की, फोटोकॉपी तो समझते हो ना सारे, फोटोकॉपी का मतलब सेम उसका डुप्लीकेट, राइट? तो कॉपीज ऑफ बुक्स का मतलब कि जितनी आप, जो भी आपके पास बुक है उसकी और कॉपीज, उसकी उसकी तरह की और बुक्स। जाओ मैं समझ क्लास में आगे पिटाई करो। इसका मतलब है हम क्या बोल रहे हैं, कॉपीज ऑफ बुक्स की हम बात कर रहे हैं कि वो सेम बुक्स हैं, इसका मतलब है सेम बुक्स। ओके बैठो आप बेटा, प्रदीप बैठो आप, इसका क्या मतलब है सेम बुक्स हैं, साइज उनका सेम है, ये मतलब है इसका, समझ आ गई? जब आप किसी शेल्फ पे ये नोटबुक सॉरी अपनी बुक्स रखोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे 100 बुक्स रखूंगा तो मेरे को कितनी स्पेस चाहिए, अगर मैं 50 बुक्स रखूंगा तो मुझे कितनी स्पेस चाहिए। करते हो ना? पीछे से हाथ खड़ा कर रहा है बच्चा ई सेक्शन से। यस बेटे, किया क्या है आपने, पहले तो मेरे को बताओ थोड़ा आगे आके कि डायरेक्ट किया इनडायरेक्ट किया तो क्या फॉर्म हो जाएगा? डायरेक्ट प्रोपोर्शन यस, जितनी हमारे पास बुक्स होंगी उतनी ज्यादा हमारी शेल्फ पे स्पेस। 5.1 x 2 = 5.1 x 2 = 136 × 5.1 / 3.1। कितना आंसर आ रहा है? 204 कॉपीज। नो प्लीज चेक इट, दोबारा चेक करो इसको। 20.4 डेसिमल भी है, और बेटा ये पूछ क्या रहे हैं आपसे, पहले तो ये क्वेश्चन देखो जरा। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ कॉपीज क्या है, आपको जो टेबल बनना चाहिए उसमें क्या आना चाहिए? एक में आपके पास बुक्स आएगा,
राइट, और दूसरे में आपके पास लेंथ आएगी, लेंथ ऑप्शन 204. यस, वो डेसिमल में नहीं आएगा बिकॉज वो 204 बुक्स. यस, आपको बुक्स निकालनी है, नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है आपको. ओके, तो आपको दिया हुआ है कि 136 बुक्स हैं, तो आपकी स्पेस लग रही है 3.4 मीटर. जब आपके पास बुक्स आपको अभी निकालनी है तो उसमें स्पेस जो लग रही है 5.1 मीटर. तो ये चीज तो आपको बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए कि दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, ये दोनों इंक्रीज हो रही है, ये दोनों, और तो इधर भी इंक्रीज होगा दोनों. फर्स्ट वाले में अगर इनकी बात करें, बुक्स 136 है तो इतना है यहाँ पे है, तो ये भी यू कैन राइट डाउन एट द टॉप अपनी अंडरस्टैंड के लिए आप लिख सकते हो. वहां पे इंक्रीज हो रहा है तो इधर भी इंक्रीज होगा. ठीक है, तो आप लिखोगे डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इंडिकेशन किया आपने. ठीक है, उसके बाद आपने वैल्यूज लगाई, x1 by y1 is equal to x2 by y2. फॉर्मूला लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, और उसकी आपको पोजीशन पता चलेगी कौन सी पोजीशन पे कौन सा नंबर लिखना है. ठीक है बेटा, आपको कैलकुलेटिंग आई एम डूइंग फॉर दोज चिल्ड्रन जिन्होंने अभी तक नहीं किया है. राइट डाउन द वैल्यूज, 136 अपॉन 3.4 इज इक्वल टू, दिस इज नॉट नोन टू यू, एक्स हमारे पास मिसिंग है, दिस इज 5.1. डेसिमल वाला नंबर है, कल भी मैंने बताया था, प्लीज रिमूव द डेसिमल फर्स्ट ऑफ ऑल. एक्स विल बी इक्वल टू 136 इंटू 5.1 अपॉन 3.4. एंड आई एम श्योर ये एमसीक्यू क्वेश्चन था, कई बच्चों ने बिल्कुल ये डिटेल में नहीं लिखा होगा, जिन्होंने बहुत जल्दी आंसर निकाल लिया, क्विकली उन्होंने ये चीज कैलकुलेट करके मेरे को आंसर बता दिया है ना. अगर ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दिस टेबल बनाना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद डायरेक्ट और इनडायरेक्टली था वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में उसका फॉर्मूला, प्लीज रिमेम्बर ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिखनी. ओके, एंड आई विल सजेस्ट यू कि एमसीक्यू क्वेश्चन में आप जल्दी में जब कैलकुलेशन कर लेते हो, इसमें थोड़ी सी गलती आपकी हो सकती है कि ऊपर क्या लिखना है और नीचे क्या लिखना है, इसलिए क्विकली आदत बना लो कि हमने फटाफट से पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर हमने वैल्यू डालनी है इसके. ओके, जब आपको क्वेश्चन आता होगा तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है करने की. ठीक होना क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा क्वेश्चन ठीक हो जाए, आंसर ठीक हो जाए. राइट बेटा, तो आपका आंसर आया है 204. जिन बच्चों का अभी नहीं पता है 204, प्लीज कैलकुलेट एट होम. ओके बेटा, कैलकुलेशन करने में थोड़ी एफर्ट लगाया करो फॉर गुड प्रैक्टिस. एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, किसी को डाउट है बेटा, किसी की कैलकुलेशन में डाउट है, या फिर आपको थोड़ी बोलने के लिए बोलना है, इसको लिख भी लो यहाँ पे, सेम बुक्स कॉपी दो, सर्टेन बुक का मतलब है सेम बुक्स है, छोटी बड़ी नहीं है, सेम साइज की. जैसे आपकी बुक्स होती है, हो सकता है हिंदी की बुक का साइज थोड़ा सा छोटा हो, इंग्लिश के बुक का साइज थोड़ा सा बड़ा हो. ठीक है, तो हम सेम बुक्स की बात कर रहे हैं जिसमें साइज का कोई चक्कर ही नहीं है कि बड़े छोटे वाली बात. ओके, एक और क्वेश्चन, राइट, वन मोर क्वेश्चन. जब आप बोलते हो फिर सबको डिस्टर्बेंस होती है. जब तक मैं ये क्वेश्चन लिखती हूँ आप क्विकली उसको रिवाइज कर लो प्रीवियस वाले को, क्योंकि जब मैं पिछले दिन का काम पूछती हूँ आपको याद नहीं होता. ठीक है ना, अपॉर्चुनिटी की आप बैठे हो अभी मैथ्स की नोटबुक खोल के फटाफट से रिवाइज कर लिया करो जो जो काम किया. सेकंड क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन, ये आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है तो मॉड्यूल मिल जाएंगे, यू कैन डू देम अगेन विदाउट एनी हेल्प इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट. ओके, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. द अमाउंट ऑफ एक्सटेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग, आपको पता है इलास्टिक स्ट्रिंग को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं,
ठीक है, इलास्टिक स्ट्रिंग वेरीज डायरेक्टली, वेरीज डायरेक्टली किसके साथ डायरेक्टली वेरी कर रहा है, एज द वेट हंग ऑन इट। ठीक है, आपके पास कोई इलास्टिक स्ट्रिंग है यहाँ पे, ठीक है, जितना हम वेट यहाँ पे लगाएंगे केजी में उतनी ही ज्यादा वो स्ट्रेच होती जाएगी। साथ साथ में अंडरस्टैंड करते रहे इसको। एज द वेट ऑफ द वेट ऑन इट, इफ अ वेट ऑफ इज अ वेट ऑफ 150 kg वन फिफ्टी ग्राम चाहिए, ठीक है, 150 ग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सटेंशन ऑफ एंड एक्सटेंशन ऑफ 2.9 सेंटीमीटर। यहां तक स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करो कि हमारी कोई स्ट्रिंग है, इलास्टिक स्ट्रिंग है, जब हम उसके साथ वेट लगाते हैं तो उसके हिसाब से वो लंबी और छोटी होती जाती है। ज्यादा वेट लगाएंगे तो उसकी लेंथ लंबी हो जाएगी, कम वेट लगाएंगे तो उसका लेंथ जो है वो छोटी हो जाएगी, वो थोड़ी ऊपर चली जाएगी, राइट। तो उसके हिसाब से लिखा हुआ है कि अगर हम 150 ग्राम का प्रोड्यूस लगाते हैं, वहां पे वेट लगाते हैं, तो हमारी लेंथ जो होती है कितनी प्रोड्यूस होती है, 2.9 सेंटीमीटर। देन वॉट वेट, देन पेपर से लिख नहीं रहे हैं, मेरे को दिख रहा है आपको, दे आर नॉट राइटिंग। जब आप क्वेश्चन लिखते हो, लिखते लिखते ही पहले से चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। डोंट बॉदर अबाउट योर पेज एंड पेन, की इंक यूज होगी या पेन वेस्ट जाएगा, ये पेज वेस्ट जाएगा, नो, मॉड्यूल तो आपको मिल ही जाएगा वाइल राइटिंग द क्वेश्चन, आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। देन वॉट वेट वुड would produce an extension of 17.4 सेंटीमीटर। कल तो क्वेश्चन को समझ लो ध्यान से बेटा, मैंने आपको बताया हुआ है, जब क्वेश्चन दिखते हो प्लीज उसको अंडरलाइन करो साथ साथ में कि हमारी किन दो चीजों की बात हो रही है। यहाँ पे हमारी बात हो रही है वेट की, वेट ऑफ 150 ग्राम, साथ में बात हो रही है एक्सटेंशन की, अंडरलाइन करो। सिमिलरली हियर एक्सटेंशन हमारी दोबारा दी हुई है, लेकिन वेट हमें दोबारा नहीं दिया हुआ। अंडरलाइन करते सार आपको ये पता चल गया कि मुझे कौन सी चीज इसमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहला हमारा काम है टेबल बनाना, सी सेक्शन नवदीप आ गया बेटा, नवदीप मेरे को ये बताओ टेबल में हम क्या लिखेंगे, वर्षू इज राइट हियर, इन दो चीजों की बात हो रही है, व्हाट शुड आई राइट हियर, 90 सेंटीमीटर। आई एम नॉट आस्किंग आंसर, प्लीज वेट, 90 गलत है वैसे, इतनी जल्दी मत करो आंसर बताने में बेटा। हाँ जी बेटे बता रहे हो आप नवदीप, हाँ जी आगे आओ माइक के पास, व्हाट शुड आई राइट हियर, यहाँ पे टेबल में बिगनी में क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए हमें, नंबर तो बाद में लिखेंगे। हाँ जी वेट, हाँ वेट आएगा, वेट नीचे लिखो यहाँ पे, और ऊपर क्या आएगा, तो
और क्या दिया हुआ? चलो वेट, अगर मैं आपने वेट पहले बताया, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, चलो ठीक है। और क्या आप ये तो इसके आए थे ना, इसके साथ और क्या लिखना चाहिए मेरे को तो वेट के साथ? लिखोगे लेंथ, वेरी गुड, लेंथ लिख सकते हो, एक्सटेंशन लिख सकते हो, कुछ भी लिखो, वेरी गुड। इनकी वैल्यूज बताओ मेरे को, वेट के सामने मुझे क्या लिखना चाहिए? 150, वेरी गुड। और इधर यहाँ पे 2.9 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा? 2.9 वेट के साथ 150 के नीचे, राइट? हाँ जी, वेरी गुड। और सातवें बॉक्स में यहाँ क्या आएगा? लेफ्ट हैंड ब्रेथ। ऊपर क्या आएगा और नीचे क्या आएगा बॉक्सेस के बारे में बताओ मेरे को। किसी को मत सुनो, यूज योर ओन ब्रेन, आप ठीक बता रहे हो बिल्कुल, डोंट लिसन टू अदर्स। आपके सामने है, टेल मी यहाँ क्या आएगा और यहाँ क्या आएगा? टाइम इज ओवर, यस आई नो, जस्ट टेल मी द हिंट। एक्स, यहाँ पे एक्स आएगा, वेरी गुड, अननोन है, और यहाँ पे आएगा 17.4। ओके गुड बेटा, एंड हु चिल्ड्रन हु से दिस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्लीज रेज योर हैंड। एक्सेलेंट, यू नो दे आर इनडायरेक्ट, इन इनडायरेक्ट, प्लीज रिमेंबर इन इज सेपरेट। तो आपको वैल्यू लगानी आती है डायरेक्ट वाली, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था, एक्स वन बाय वाई टू इज इक्वल टू एक्स टू बाय वाई टू, इनकी वैल्यूज पुट करके मिसिंग वैल्यू निकालना। एंड No, answer is 900. Please solve it once again and patiently solve करने जल्दी में नहीं करना। जब आप जल्दी में करते हो आंसर रॉन्ग होता है आपका। आंसर इज 900. मैम टाइम इज ओवर, टेक इट होम, आई नो आई एम गोइंग टू क्लोज इट, ठीक है। राइट द आंसर सो दैट यू कैन डू एट होम, ओके बच्चे, ऑल द बेस्ट। Monica,